أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. इससे पहले यहाँ आकर बात रुकी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशाद फरमाया था अहले किताब से खिताब करते हुए, ईसाइयों से खिताब करते हुए, तहकीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और एक वाज़े किताब आ चुकी है। ये बहस आई थी कि नूर से क्या मुराद है और किताबुम मुबीन से क्या मुराद है। जमहूर का कौल ये है, दोनों का मिज़दाक एक है। नूर से मुराद भी किताब है, क़ुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नूर कहा, रोशनी कहा, इसलिए कि क़ुरान मजीद की के अहकामात और तफसीलात, उसके अंदर बयान करदा अकायद, आमाल और अखलाक, ये अंधेरों को ख़त्म करते हैं। जिस तरह रोशनी आकर अंधेरों को ख़त्म कर देती है, इसी तरह क़ुरान मजीद की तालीम से, उसके अहकामात पर अमल करने से, उसके अंदर बयान करदा अकायद को अपनाने से, उसके अखलाक को अपनी ज़िंदगी में बरतने से अंधेरे ख़त्म होते हैं। आदमी की इल्मी कमज़ोरियां भी दूर होती हैं, आदमी की आमाल की कमज़ोरियां भी दूर होती हैं, और अखलाकी गिरावट भी आदमी की दूर होकर आदमी के अखलाक एतदाल पर आ जाते हैं। हर किस्म के अंधेरों से आदमी निकल जाता है क़ुरान मजीद के सामने आने के बाद। अकीदे की जुल्मत, आमाल की जुल्मत, अखलाक की जुल्मत, जाहिर की, बातिन की, शिर्क की, बिदात की, ये सारी जुल्मतें हैं, जहालत की जुल्मत, वो किताबुम मुबीन। अच्छा, क़ुरान करीम ने इशारा ये दिया कि इन जुल्मतों को ख़त्म करने के लिए क़ुरान मजीद के नूर को अपनाना होगा। वह किताबुम मुबीन, ये उसी की तफसीर है, नूर ही की तफसीर है। ये वो तफसीरिया है, वाज़े किताब, खुली हुई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आम आदमी ना समझ सके। बिल्कुल एक आम सहल अंदाज और तर्ज़ बयान इसमें इख्तियार किया गया है, इसलिए कि ये क़ुरान मजीद का समझना हर ईमान वाले की ज़रूरत है, इसीलिए आसान भी किया गया है इसे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तहक़ीक के हमने क़ुरान मजीद को याद करने के लिए भी और उससे नसीहत हासिल करने के लिए भी हमने आम कर रखा है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत की होती है, अल्लाह ताला की सुन्नत व तरीक़ा यह है कि अल्लाह ताला उसे उतना ज़्यादा आसान फरमा देते हैं। जैसे हवा है, यह हर इंसान की ज़रूरत है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसे आसान फरमा दिया। और इसी तरह पानी है, यह इंसान की ज़रूरत है, जिसके बग़ैर किसी इंसान का, फ़र्द बशर का काम नहीं चलता, तो अल्लाह ताला ने उसे आसान बना दिया। इसी तरह
चले जाइए। जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत की होती है अल्लाह ताला दर्जा बदर्जा उसे आसान बनाते चले जाते हैं। उसके बरखिलाफ़ अब हीरे जवाहरात को देखिए, उसके बगैर भी इंसान का काम पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है। इंसान का कोई काम उस पर मौकूफ़ नहीं, डिपेंड नहीं है। अल्लाह ताला ने उतना ही ज़्यादा उसे अनका कर दिया, मुश्किल बना दिया। शायद हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में लेकर कभी हीरों को नहीं देखा होगा, मोतियों को कभी नहीं देखा होगा, ना ख़रीदा होगा। ओके, दूसरी तफसीर इसमें यह है, गुंजाइश उसकी भी है कि नूर से मुराद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, सरापा नूर हैं सरकार सिफत के एतबार से। इससे ये नहीं, इस गलत फहमी और मुगालते में नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को, इसलिए कि आयत के ऐसी तफसीर करना जो कुरान मजीद ही की दूसरी आयत से टकरा जाए ये नहायत ख़तरनाक और संगीन किस्म की गलती होगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है, उलमा उसूल ने तफसीर करने लिखे वाले के लिए कुरान मजीद के हर आयत पर गहरी नज़र होना ज़रूरी है, ताकि कोई किसी आयत के ऐसी तफसीर ना बयान करे जो कुरान मजीद ही की एक दूसरी आयत से टकराती हो। बड़ा नाजुक मसला है उसूल का। तफसीर करने वाले को सिर्फ तर्जमा देख कर तफसीर करना जायज़ नहीं है। कुरान मजीद की हर आयत पर, इसीलिए मदरसों में हर आयत, हर जुमला, हर लफ्ज़ पढ़ाया जाता है। नूरों व किताब, नूर से मुराद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। इसका मतलब यह नहीं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए हैं, नहीं। सिफत के एतबार से नूर हैं, सरापा नूर हैं। हज़रत रसूल के ज़बान मुबारक से जो भी लफ्ज़ निकलता है उससे अंधेरे ख़त्म होते हैं। जहाँ भी उनका वजूद बाबरकत मौजूद होता है वहाँ ज़ुल्मतें छट जाती हैं, हर किस्म की ज़ुल्मतें ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ तक के ज़ाहिरी ज़ुल्मतें भी ख़त्म हो जाती हैं। हज़रत सिद्दीक़ा, ये अजीब मेरे याद आ गया, आप हज़रात की बरकत से, हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा गालिबन सुई गुम हो गई हज़रत आयशा की, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करती रही, नहीं मिली। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर के चेहरे की उस रोशनी से वो सुई मिली। ज़ाहिर एतबार से भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी वजह तो नूर अता फरमाया था। ज़ाहिर बात है, नबी जब मौजूद होता है रूए ज़मीन पर उससे ज़्यादा खूबसूरत भी कोई नहीं होता, ज़ाहिरी एतबार से भी, बातिनी एतबार से भी खूबसूरत होता ही है। ज़ाहिरी एतबार से भी जब नबी मौजूद होता है उस वक्त पूरे रूए ज़मीन पर उतना खूबसूरत कोई नहीं होता, ये उतना नूरानी। ज़ाहिरी बातिनी एतबार से नूर, हर जुमला नूर सरकार, बल्कि मैंने वो आपको कहा था कि हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से किसी ने नबुव्वत का आधा इल्म हुज़ूर ने ख़ुद फरमाया कि मेरा आधा इल्म नबुव्वत का वो हज़रत आयशा के पास है। बहुत बड़ी आलिमा थी, बड़े बड़े सहाबा को अगर कभी खलजान पेश आ जाता तो हज़रत आयशा से रुजू फरमाते थे। जी एक मरतबा किसी ने पूछा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुछ हमें बताइए, तो हज़रत आयशा ने कहा कान्ना खुलुकहू अल-कुरान, कहा कि हुजूर के अखलाक ऐसे ऐसे कुरान है, गोया चलता फिरता कुरान है। ये तावीर का हज़रत आयशा का अंदाज़ कि ये कुरान तो ये है। अगर कुरान को इंसानी शक्ल दे दी जाए तो वह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बनेगी, चाहे ये देख लो चाहे उनको देख लो, और उनकी तशरीहात को मिलाए बगैर आयत के मुराद को नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा है कि तफसीर करने के लिए हदीस के इल्म पर भी उबुर ज़रूरी है, हदीस का भी एक्सपर्ट और उसमें भी उसका भी स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। इसलिए कि हदीस जो है दर हकीकत कुरान मजीद की तफसीर है। हाँ, तो एक तो यह हो गया नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, ये है किताबी शक्ल में, एक चलता फिरता कुरान है। हाँ,
हाँ क्या आपके सामने, लेकिन हजरत इन तमाम कमालात के बावजूद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानों की जिन्स से थे। इसकी सरात खुद कुरान मजीद में है, इसीलिए ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हुजूर को नूर से पैदा किया गया है, ये तो कुरान मजीद का सराहतन इनकार है। कुरान ने खुद कहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, फरमाया कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक बशर हूँ। तुम्हारे ही जैसा बशर का मतलब यह है कि मैं इंसानों में से हूँ, जिन्नात में से नहीं हूँ, मैं इंसानों में से हूँ, फरिश्तों से नहीं हूँ, फरिश्तों की जिन से नहीं हूँ। फरिश्ते का क्या काम, इंसानों की रहबरी के लिए फरिश्ते को भेजा जाएगा तो इंसानी जज्बात को क्या समझ सकेगा। और मैं खुदा भी नहीं हूँ, ना खुदा ना मैं जिन्नात में से ना फरिश्तों में से, मैं तुम्हारी जैसा इंसान हूँ, लेकिन मर्तबे में नहीं। मर्तबे में कैसा हो जाएगा, वो तो कोई नबी भी हुजूर के मर्तबे का नहीं। हुजूर तो सईदुल अंबिया हैं, हुजूर तो अंबिया के भी नबी हैं, हर नबी अपनी उम्मत का नबी होता है। हुजूर ने फरमाया ना नबीउल अंबिया, मैं तो अंबिया का भी नबी हूँ, अंबिया का भी सरदार हूँ, मैं तो इमामुल अंबिया हूँ, मैं खातिबुल अंबिया, बल्कि पूरी क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया ना सईदुल दी आदम यमल क़ियामत वला फ़ख़्रा, फरमाया कि मैं तो मैदान महशर में पूरी इंसानियत का सरदार, अल्लाह ने मुझे वो इम्तियाज़ अता फरमाया है और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, अल्लाह ताला का महज फ़ज़ल है। हुजूर ने सराहत फरमाई। नूरुं व किताबुं मुबीन, आगे फरमाया यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला उस किताब के ज़रिए हिदायत देता है। हिदायत तो अल्लाह ही देता है, चूंकि अल्लाह ताला को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है और अल्लाह ताला की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। अल्लाह ताला की रहमत ही का तकाजा और ये असर है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए किताबों को नाजिल फरमाया और अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा को मबूस फरमाया है। ये अल्लाह ताला की सिफत रहमत का तकाजा और असर है। इंसानों को अल्लाह ताला गुमराही में रखना नहीं चाहते। यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह ताला किताब नाजिल फरमाया और उसको उसके ज़रिए यानी किताब को और हुजूर की ज़ात को अल्लाह ने ज़रिया बनाया है हिदायत का। अगर कोई हिदायत हासिल करना चाहे तो उसे कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और अहादीस मुबारक का इल्म उसे चाहिए। तो इससे कुरान और सुन्नत के इल्म की ज़रूरत साबित हुई। कुरान और मजीद की के इल्म से दूर रहकर कोई हिदायत पाना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल। यहदी बिहिल्लाह देंगे अल्लाह और हिदायत देंगे और इसको देंगे, अगर इन असबाब को, जब आदमी डॉक्टर बनने के असबाब इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला एक दिन डॉक्टर बना देते हैं, एक आदमी इंजीनियर बनने के असबाब इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला एक दिन उसे इंजीनियर बना देते हैं, टेलर बनने के कोई आदमी असबाब इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे एक दिन टेलर बना देते हैं, और कोई आदमी मैकेनिक बनने के असबाब इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे मैकेनिक बना देते हैं। एक बच्चा नूरानी कायदा शुरू करता है, उसके बाद नाजिरा पढ़ता है, हिफ्ज़ करने के असबाब इख्तियार करता है तो अल्लाह का फजल होता है, उसके सिले में अल्लाह ताला उसे कुरान मजीद का इल्म अता फरमाते हैं। तो आदमी जिस इसी तरह जो आदमी हिदायत के असबाब इख्तियार करता है, अल्लाह ताला की सुन्नत और तरीक़ा है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत से सरफराज फरमाते, महरूम नहीं फरमाते। यहदी बिहिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने इशारा दिया कि असबाब हिदायत ये हैं, कुरान मजीद और सुन्नत, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा बैठ रहा है देखो सिलसिला ठीक से। हाँ, लेकिन हिदायत देंगे अल्लाह उस शर्त पर देंगे जब आदमी इनको इख्तियार करेगा। ऐसा लग रहा है ना हमें कि बिही एक बा है, हा है, दो हर्फ हैं, पता नहीं इसका क्या मना हो, ये क्यों खाम खा लाया गया हो। बिही ला करके असबाब हिदायत की तरफ अल्लाह ताला ने कितने लतीफ़ अंदाज में इशारा फरमाया है कि किताब व सुन्नत को अपनाना होगा, और जो लोग किताब व सुन्नत के इल्म के बगैर अपने हिदायत याफ्ता होने का दावा कर रहे हैं वो सारे गुमराह हैं। आप देखिए, चले जाइए, मैं नाम नहीं लेता किसी का, आप चले जाइए जिनके पास, इसीलिए मैं उमूमन आजकल ये भी बयान कर रहा हूँ बयानों में
अगर हिदायत याफ्ता लोगों को आप समझना चाहें तो उसकी एक ज़ाहिरी अलामत ये भी है कि देखो उन वो किताबों के बीच में घिरा हुआ होगा। इधर हदीस की किताबें रखी हुई हैं, इधर तफसीर की किताबें, इधर फ़िक़ की, इधर तारीख़ की, ये उसके हिदायत याफ्ता होने की एक ज़ाहिरी अलामत है। इसलिए कि जो लोग गुमराह हैं वो ना कुरान पढ़ते हैं, ना हदीस, ना किसी हदीस की तशरी, ना किसी मुहदीस की तशरी, ना किसी मुफस्सिर की तफसीर, ना किसी फुकहा का कलाम, वो कुछ नहीं पढ़ते, उनको कुछ नहीं आता, ना नूरानी क़दम, ना नाज़िरा, ना हिफ़्ज़, ना कुरान, ना हदीस, कुछ नहीं। इसलिए कि अब किसी पर वही नाजिल थोड़ी होगी, जो कुछ वही नाजिल हो चुकी है अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन के ज़रिए उसे किताबों में महफूज करा दिया है। अब किसी पर असरन वही नाजिल नहीं होगी, जो वही नाजिल हुई थी वो किताबों में है, उसे पढ़ो, हिदायत मिलेगी। समझ में आ रही मेरी बातें? हाँ, ये बहुत बड़ी अलामत है। इसीलिए आप देखेंगे उलमा देवबंद को अल्लाह जज़ाए खैर दे पूरी उम्मत की तरफ से, उनको जहाँ भी रहेंगे सबसे पहले वो किताबों का तारुफ़ कराएंगे, भाई ये किताब पढ़ो, उर्दू में है पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, कन्नड़ा में है पढ़ो, जी जहाँ बैठेंगे और वहाँ की जो ज़बान होगी उस ज़बान में इस्लामी लिटरेचर को तब्दील करने का काम वो करेंगे। हाँ, इसलिए कि इस मज़हब की बुनियाद इल्म पर है, बिहिल्ला ये एक ज़रिया है। दूसरा किसे देंगे? कहते मन इत्तबा रिज़वाना, ये मन, जो आदमी अल्लाह की खुशनीदी के पीछे चलेगा, ये मुखलिस का उन्वान है। जो आदमी किताबो सुन्नत में कीड़े निकालने के लिए पढ़ेगा, अज़राहे एतराज पढ़ेगा, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान मजीद ने कहा, यही किताब है, किताब एक ही है, इससे एक इंसानियत की इंसानियत हिदायत याब हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा तबका इसी किताब को पढ़कर गुमराह हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? मन इत्तबा रिज़वाना, इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो मुखलिस हो, हिदायत का दिल से तालिब हो। हाँ, इसीलिए मुनाफिकीन को कुरान मजीद रहबरी नहीं करता, कुरान वो भी पढ़ते हैं, यहूदी भी कुरान पढ़ते हैं, ईसाई भी कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन मन इत्तबा रिज़वाना हो की जो शर्त है, जो शर्त आज़म कही है, वो शर्त नहीं पाई जाती उनके यहाँ। मुखलिस होना शर्त है, आदमी का अंदर से अल्लाह ताला की रज़ा क्या करने से, किन कामों में अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी छुपी हुई है, उसकी तलाश हो, जस्तुजू हो आदमी को, उसकी तलब हो, तड़प हो, उसको कुरान रहबरी करता और ज़रूर करता है। सुबुल सलाम, अल्लाह ताला सलामती वाले रास्तों की तरफ, ये जन्नत का एक उनवान है, क्योंकि जन्नत में सलामती ही सलामती, दुनिया में भी खतरात से खतरा, गुमराही खतरा है। हाँ, जैसे आदमी खाई में गिर गया हो, हाँ, खतरात ही खतरात हैं, उन खतरात से दुनिया में भी यह कुरान मजीद बचाता है, और फिर अल्लाह ताला जहन्नम तो खतरे की जगह है और जन्नत सलामती की जगह है, कहते हैं अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों पर उसे चलाएंगे दुनिया में भी, और अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा देंगे उसे। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्निही, और अल्लाह ताला उनको निकालेंगे जुल्मतों से, अंधेरों से। वही अकीदों के कुरान पढ़ेगा समझ में आएगा सही अकीदा क्या, गलत पढ़ेगा तो ना समझ में आएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो ये नहीं कहा गया कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, मस्जिद बनाओ, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि पढ़ो 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 पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक, पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा सही है गलत है, क्या गलत है, करना क्या है, नहीं करने के काम क्या है, पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा। तो मिना ज़ुलुमाती, ज़ुलमतों से अल्लाह ताला निकाल कर उसे नूर की तरफ डाल देते हैं, यानी हिदायत के रास्ते पर डाल देते हैं। बिइज़्निही ही है, कोशिश तो आदमी को करना है, लेकिन समझना यह है कि ये हिदायत जो मिली है वो मेरी कोशिश का सिला नहीं है, यह अल्लाह के फजल का सिला है। क्या अजीब, अल्लाह ताला ने गिरने से बचा लिया है। ख्यालात के क़िबले को दुरुस्त करना भी कुरान मजीद का मनसब है। हाँ, कैसा ख्यालात के क़िबले को दुरुस्त किया जा रहा है, कोशिश तो करना है, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहनी है, लेकिन उसके आखिर में कुरान करीम ने कहा अल्लाह ताला उसको जुल्मतों से नूर की तरफ डाल देंगे, निकाल कर जुल्मतों से निकाल कर नूर के हिदायत के रास्ते पर डाल देंगे, लेकिन बीज नहीं है।
वो अपनी तौफीक से डालेंगे। हाँ, तो इसमें जो है मेहनत करने वालों को गिरने से बचा लिया, तरक्की के बाद तनज़ुली से अल्लाह ताला ने इसमें बचा लिया है कि आदमी मेहनत करने के बाद कभी आदमी को यह ख्याल आता है, आ सकता है कि ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, इसमें अल्लाह ताला का क्या फ़ज़ल है। नहीं, मेहनतों के बाद भी आदमी को जो हिदायत मिलती है उसे ये आदमी इसे अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह ताला की तौफीक व करम का सिला समझना चाहिए। हाँ, बेइज़्नी वह यहदी ही मिला सिराती मुस्तकीम, यहाँ यहदीम का दूसरा माना है, और अल्लाह ताला निकाल देंगे, और अगर इन शराइत पर वो इन शराइत का पाबंद रहेगा तो अल्लाह ताला फिर सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर उसे जमा देंगे। वह यहदी ही मिला सिराती मुस्तकीम, ये हो गई पूरी तफसीर। आगे कहते हैं लक़द कफ़रा लदीना कालू, तहकीक के देखो कफ़रा माजी का सगा उलमा समझेंगे, उस पर कद फिर उस पर फिर लाम मफ्तूह, तीन तीन ताकीदात के साथ ये एक बहुत मजबूत फैसला सुनाते हैं, ये एक अकीदे को बयान करते हैं। कहते हैं लक़द कफ़रा लदीना कालू, तहकीक के वो लोग काफिर हो गए, कौन? जिन्होंने यूं कहा कि इन्नल्लाहु हुवल मसीह इब्नु मरियम, अरे जो है हज़रत ईसा जो मरियम के बेटे हैं वो खुदा तो ही खुदा ही तो हैं। जिन्होंने हज़रत ईसा को खुदा कहा कुरान कहता है कि वो काफिर हैं, अल्लाह अकबर, वो काफिर हैं। हज़रत अल मसीह से मुराद हज़रत ईसा हैं, इसलिए कि अगर मसीह दज्जाल भी आने वाला है वह ममसू के माने में, उसकी एक आंख सपाट होगी, एक आंख बिल्कुल, हाँ, पेशानी पर काफारा लिखा हुआ होगा। करिए तफसीर छोड़िए, तो यहाँ अल मसीह जो इब्ने मरियम है, इसलिए कि वो अल्लाह का बेटा कहते थे, एक जमात जो है वो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहती, तो कहती कि खुदा का बेटा तो खुदा, दो जमातें थी ईसाइयों में बल्कि तीन, एक ये कहती थी कि एक हज़रत ईसा और उनके वालिदा हज़रत मरियम और ये खुदा, तीनों मिलकर खुदा, और ये कहते थे कि हज़रत ईसा और जिब्रील और खुदा, ये तीनों मिलकर एक खुदा, और एक जमात ये कहती थी कि सिर्फ ईसा खुदा हैं, खुदा और ईसा ये दो नाम हैं एक चीज़ के। कुरान करीम ने रद्द किया, नहीं, ये मसीह तो इब्ने मरियम हैं, यानी मरियम के बेटे हैं, किसके बेटे हैं? मरियम के बेटे हैं, औरत के, तो जो इब्ने मरियम हो, जो किसी के पेट से पैदा हो, खुदा कैसे हो सकता है? लम यलिद वलम युलद, रद्द हो गया इसमें। एक तो कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा के खुदा होने की तर्दीद फरमा रहे, नफ़ी फरमा रहे, दर हकीकत हर उस फ़िरके की तर्दीद कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करता हो, चाहे फरिश्तों को शरीक कर दो, चाहे और किसी नबी को शरीक कर दो, किसी को भी अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात में जो किसी को भी शरीक करेगा वो काफिर है, इसमें किसी किस्म का समझौता कम्प्रोमाइज़ नहीं है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, हाँ, ये तयशुदा बात है, इसमें किसी गौर व फिक्र की, तब्दील की, तकसीम करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये नाकाबिल तब्दील, हाँ, नाकाबिल तनसीख, हाँ, कि भाई ये उस वक्त का अकीदा था, अब हालात की वजह से ये अकीदा बदल जाएगा, ऐसा नहीं, ये नाकाबिल तब्दील, नाकाबिल तनसीख, नाकाबिल तकसीम अकीदा है। इब्ने मरियम है, हाँ, इसमें अल्लाह ताला ने एक लतीफ़ इशारा दिया, मैं गालिबन मैंने इससे पहले भी कहा था, बाद लोग जो है हज़रत मरियम को बदकार कहते थे, हज़रत मरियम को, सूरह मरियम में काफ़ी तफसीलात हैं उसकी, कुरान करीम ने कहा हज़रत मसीह खुदा तो नहीं है लेकिन नबी हैं, इसमें क्या शुबा है? बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान 1000 अम्बिया है, कितने? 1000, बनी इसराइल में 4000 अम्बिया है, और हज़रत ईसा और मूसा के दरमियान 1700 साल का फासिला है, इसमें 1000 अम्बिया है, उसमें सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा हैं, और इब्ने मरियम कहकर कहा कि और ये नबी मरियम का बेटा है, और अल्लाह ताला किसी बदकार औरत के बेटे को नबी
नहीं बनाते। इसमें हजरत मरियम की पाकदामनी भी साबित हो गई। अजीब है, कुरान भी बड़ा अजीब है, बात कुछ करता है, ज़िम्मी फ़ायदे हैं ये। आगे अल्लाह कहता है कुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाह शैया, अरे कौन तुम में से अल्लाह ताला को बचा, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह से कौन बचाएगा। फ़मन यमलिकु मिनल्लाह शैया इन अरादा युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मा व मन फिल अर्ज जमीआ, अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा को और उनके वालिदा को और तमाम ज़मीन वालों को अगर अल्लाह ताला मौत दे दे, अगर हलाक करने का फैसला कर दे, तो फिर अल्लाह ताला से तुम में से कौन बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। मरियम का इंतकाल हो गया, जब आयत नाज़िल, मरियम का इंतकाल हो चुका था। हज़रत ईसा, हज़रत मरियम खुदा होती तो खुदा को मौत तो नहीं आती, हज़रत ईसा को भी मौत आएगी एक दिन। अच्छा, अगर अल्लाह हज़रत ईसा खुदा होते तो जब ये कहा जा रहा है कि अगर हमने हज़रत ईसा को ख़त्म कर दिया, जाहिर बात है हज़रत ईसा अगर खुदा होते तो अल्लाह ताला की ये जुमले वो भी सुन रहे होंगे ना, तो वो खामोश थोड़ी बैठते हैं। कैसी बेबसी जाहिर हो रही है हज़रत ईसा की नबी होने के बाद, नबी के कमाला सर आंखों पर, लेकिन जब मुकाबले पर आता है कुरान करीम नबूवत और खुदाई दोनों में, तो नबी को उसकी हैसियत बताता है। ये अकीदे का मसला है, बड़ा नाजुक मसला है, ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी भी है। आगे कहता है वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज, और आसमानों ज़मीनों की बादशाहत तो अल्लाह ही के लिए है, सारी चीज़ उसके ममलूक है। और अगर हज़रत ईसा ममलूक होते, हज़रत ईसा अगर बेटा होते तो वो ममलूक ना होते, इसलिए कि बेटा ममलूक नहीं होता। देखा, इसका मतलब यह कि हज़रत ईसा बेटे नहीं हैं, और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसका अल्लाह बादशाह है। वमा बैना हुमा, और इन दोनों के दरमियान, यह खलूक मायशा, या माँ कैफा के माने में है, अल्लाह ताला जैसे चाहे पैदा कर दे, एक जवाब है इसका। ये हज़रत ईसा को उन्होंने खुदा इसलिए बनाया था कि हज़रत ईसा की पैदाइश आम अल्लाह ताला के तरीक़े से ज़रा अलग हुई, अनोखे तरीक़े पर, जो कामन तरीक़ा नहीं था। वो क्या था? बगैर बिन बाप के पैदा किया गया। हज़रत जिब्रील को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने हज़रत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी। कुरान मजीद में सूरह मरियम में तफसीलात हैं, फूंक मारी क्योंकि अजीबो गरीब अनोखे अंदाज से इनकी पैदाइश हुई थी। कहा कि अगर ये बेटे होते तो आम तरीक़े पर, अगर ये आम मखलूक होते तो कामन तरीक़े पर इनकी पैदाइश होती है, गैर मामूली, एक आम सुन्नत से हट कर हज़रत ईसा को पैदा करने का मतलब ये है कि ये अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, यखलुकु मा यशा, जैसे चाहे पैदा कर दे, किसी को माँ बाप के ज़रिए पैदा करे, किसी को बिन बाप के पैदा कर दे, और किसी को, हज़रत आदम को तो बग़ैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही का मसली आदम, यहां तो कम से कम माँ तो है, वहां तो ना माँ है ना बाप है, उसको तो हर तरह पैदा करने पर कुदरत है, इसमें इश्काल की क्या बात है। ये वल्लाह वला कुल्ली शैइन कदीर, ये दलील दे रहे हैं, चूंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कामिल कुदरत रखते हैं, तो वह जिस तरह चाहे पैदा करे, उसमें ताज्जुब की क्या बात है, उसमें मुश्किल की क्या बात है अल्लाह ताला के लिए। आगे कहते हैं वकालतिल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, यहूद व नसारा ये कहते थे, वो इस वजह से कहते थे कि हम तो अम्बिया की औलाद हैं, हम तो अम्बिया की औलाद हैं, लिहाजा नहनु अबनाउल्लाह, और हम अल्लाह ताला के बेटे हैं। बेटे ये सुलभी बेटे नहीं, बल्कि यानी हम मुकर्रब हैं के माने में, हम बहुत करीबी लोग हैं अल्लाह ताला के, वह हिब्बा वम अल्लाह ताला के महबूब हैं, लिहाजा हम अगर गुनाह करें, हम अगर गुनाह करें तो हमको आम लोगों की जैसी सज़ा नहीं होगी। इसीलिए कहते थे हम एक तो जहन्नम में जाएंगे नहीं, अगर कभी बिलफर्ज जाना भी पड़े, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक के लिए हम जाएँगे। ये उन्होंने अपने तरफ से अकीदा घड़ लिया था, जिसकी कोई दलील ना नकली थी ना अकली दलील उनके पास थी। वो कहते थे हम अल्लाह ताला के बेटे हैं और उसके महबूब हैं, मुकर्रम हैं। तो कुरान करीम ने कहा, अरे तुम्हारा ही तो, तुम खुद इस बात को मानते हैं कि हमको 40 साल सज़ा होगी,
तो क्या जो अल्लाह के महबूब होगा, जो अल्लाह का मुकर्रब होगा, अल्लाह ताला उसे सजा देगा? अपने ही कौल से अपने अकीदे का रद्द कर रहे हैं। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, कहा कि फिर अल्लाह ताला तुमको तुम्हारे गुनाहों की वजह से सजा क्यों देगा? बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम मखलूक में से, तुम भी एक बशर हो, आम मखलूक की तरह तुम भी एक मखलूक हो, कोई अलग मखलूक थोड़ी है। नहीं, तो पता चला कि अंबिया की औलाद हो या गैर अंबिया की, कामयाबी के उसूल सब के लिए एक हैं। अगर अंबिया की औलाद भी कुफ्र करती है तो सिर्फ इस वजह से कि इनको अंबिया की निस्बत हासिल है, ये अंबिया के फैमिली के घराने के लोग हैं, उनको नजात मुमकिन नहीं। हाँ, मुमकिन नहीं उनकी नजात। यग़फ़िरु लिमन यशा व या, अब जब अंबिया की औलाद की नजात तौहीद को इख्तियार किए बगैर और कुफरिया और शिरकिया आमाल से निकले और तोबा किए बगैर मुमकिन नहीं है, तो फिर जो है जो लोग औलिया अल्लाह की औलाद में से हों उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप समझ रहे हैं? हाँ, मौरूसियत क्या कैसा ज़बरदस्त रद है। हाँ, ऐसा हो सकता है, कुरान मजीद ने एक दूसरी जगह कहा सूरह तूर में कि दोनों मोमिन हैं, बाप भी बेटा भी, बाप भी बेटा भी, एक है नबी, एक है नबी का बेटा, बेटे के आमाल, बेटा बाप की डगर पर है, लेकिन बेटे के आमाल क्वांटिटी और क्वालिटी में बाप की तरह नहीं है, लेकिन है बाप के डगर पर, तो अल्लाह ताला इस बच्चे को बाप के मुकाम पर पहुंचा देंगे। क्यों? ईमान, अकीदे, आमाल, अखलाक में उसी तरह है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क है। फ़र्क होने के बावजूद चूंकि असल रास्ते से वो नहीं हटा, तो अल्लाह ताला अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैया, निस्बत का फ़ायदा इतना तो होगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ये साबित करना चाह रहे हैं, उतना फ़ायदा तो होगा। हाँ, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, और आसमान और ज़मीनों की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, उसमें कोई शरीक नहीं। आसमान और ज़मीन और आसमान और ज़मीनों के दरमियान जो कुछ मखलूक है सब का जो है बादशाह और सब का मालिक अल्लाह ताला है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति, ज़मीन और आसमानों का तने तनहा मालिक है। वइलैहिल मसीर, अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। आगे कहा या अहलल किताब, अहले किताब, कज्जाकुम रसूलुना, अब यहाँ फिर कहते हैं नजात का तरीक़ा बतलाते हैं, उनके अकीदों का रद्द करके और भी दलील के साथ रद्द करते हैं। कहते हैं अहले किताब, तहकीक के तुम्हारे पास हमारा रसूल आया जो खोल खोल कर तुम्हारे पास अहकामात और अकीदे बयान करता है, अला फतरति मिनर रसूल, और एक मुद्दत के बाद आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में तकरीबन 600 साल का अरसा है, उसमें कोई नबी नहीं आया, और जो अंबिया की तालीमात थी वो मिटा गई थी, ख़त्म हो गई थी, और इब्ने तैमिया के कहने के मुताबिक कहीं कहीं सही इंजील के नुस्खे बाकी थे लेकिन वो आम लोगों में राइज नहीं थे। अला फतरति मिनर रसूल, ये इतना अरसा कोई नबी ही नहीं आया 600 साल अरसे में, कहीं वो क़यामत में ये ना कहें कि अरे हम इसलिए राह रास्ते से हट गए कि हमारे दिमाग में कोई नबी नहीं आया इतने अरसे में। कहा कि अब यह कहने का मौका भी नहीं है, नबी तो आ गया, अब उजूर पेश करने का कोई मौका नहीं है, अब माजूर नहीं हो। कमी कहीं तुम क़यामत में अगर यह कहने लगो कि अंतकुलु मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास कोई बशीर नहीं आया, हमारे पास कोई नज़ीर नहीं आया, ना खुशखबरी सुनाने वाला ना डराने वाला, लिहाजा हमको सही अकीदे और तालीमत कैसे मालूम होती जबकि इंजील भी में भी तहरीफ हो गई थी, अम्बिया की तालीमत मिटा गई थी, ख़त्म हो गई थी। ये कहने का भी अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया और ना रखा, और इतमा में हुज्जत कर दी। फ़कत जाकुम बशीरुन व नज़ीर, तहकीक तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीर आया, इससे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, ज़ात मुबारक मुराद है। आए और कैसे हालात में आए,
कि जहालत और वहाँ कोई इल्म का चर्चा नहीं। और फिर जो है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर मेहनत के नतीजे में हज्जतुल वदा के मौके पर सही रिवायत में 1.5 लाख सहाबा का मजमा, अल्लाहु अकबर, एक एक आदमी एक एक करोड़ पर भारी, मीनार हिदायत एक एक सहाबी। जो मरीज था लाइलाज लाइलाज मरीज, और फिर वहां कोई इल्म का चर्चा भी नहीं। एक आदमी को इल्म पढ़ाना है और वहां इल्म पढ़ाने के असबाब भी नहीं है। जैसे एक बीमार है, लाइलाज बीमार है, और वहां इलाज करने के कोई आलात भी मौजूद नहीं है, और फिर उस लाइलाज मरीज को डॉक्टर बना दे रहबर बना दे कयामत तक के लिए, सहाबा की ज़बात मुकद्दसा को मेयार ईमान करार दिया है। आमिनु कमा अमन अन्नास वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और ऐसे अंधेरों में ऐसे जो है सख्त लोगों के बीच में जहाँ 600 साल अरसे की जहालतें मौजूद हैं, जुल्मतें मौजूद हैं, एक नबी आता है तो अंदाज़ा लगाओ कैसे ताकतवर नबी की ज़रूरत है। हाँ, और अल्लाह ताला ऐसे इलाके से ऐसे नबी को बर्पा करने पर कामिल कुदरत रखता है। इसलिए हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। काम करने वालों के लिए, काम करने वालों को आखिरी दम तक भी उम्मीद की शमा अपने दिल में जलाई रखनी चाहिए। काम तो वही करता है, असबाब इख्तियार करना चाहिए हिदायत के। मायूसी मायूस भी नहीं होना और मायूसी की बातें भी आदमी को नहीं करना चाहिए। कितने भी सख्त हालात हों, हुजूर की सीरत से जो है इबरत फ़ायदा हासिल करना चाहिए। कि हज़रत ने गुज़िश्ता भी नकल किया था कि लिमर्टेन का वो जुमला, बड़ा तारीख साज जुमला जो उसने कहा, 100 उसकी किताब अंग्रेज़ी की पढ़ने के लायक है। उसमें कहा कि ये वो नबी है जो बेसरो सामानी में के आलम में उभरने वाला नबी है। अगर पीछे इसकी पुष्ट पनाही करने वाले अगर अल्लाह की कुदरत ना होती तो इंसानी ताकतों के बुनियाद पर ये इसका उभरना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए कि उभरने के कोई असबाब ना उसको रियासत हासिल थी, ना वहाँ वजाहत हासिल थी, ना सरदारी हासिल थी, ना खजाने, ना पैसा, ना हुकूमत, बल्कि उल्टी दुश्मनियाँ। कौम भी दुश्मन, वतन वाले भी दुश्मन, अपने भी दुश्मन, बरादरी वाले दुश्मन, ख़ानदान वाले दुश्मन, पैसा नहीं, बेसरो सामानी के आलम में, और सबसे अजीम मकसद लेकर के पैदा होने वाला नबी, और फिर अपने मकसद में सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाला नबी। ये तीन जुमले लिमर्टेन के याद रखने के काबिल हैं। इससे आदमी को मायूसी के हालात में एक राह अमल मिलती है कि आदमी हालात कितने भी मायूस कुन हो, आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो खुदा आसमानों पर बैठा है और जो किताब हमारे पास है, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत महफूज हमारे पास है, कि एक एक लम्हा नबी का महफूज है। रात दिन में जो भी जुमला हज़रत रसूल वसल्लम की ज़बान से निकला ये मौजिज़ा है सरकार का, के महफूज भी है। और अब देखिए आज भी उम्मत हुजूर के ज़बान से निकले हुए एक एक हर्फ को अपने सीने से लगाकर उसकी हिफाजत को अपनी सआदत समझ रही है, जबकि इन हिफाजत करने वालों का फ़िलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। यानी हुकूमत की तरफ से इनका एजाज़ हो रहा हो, इनका इस्तकबाल इकराम हो रहा हो, इनको माहाना करोड़ों रुपये तनख्वाह दी जा रही हो, इनको सहूलतें फराहम की जा रही, मुखालफतें हैं, बिल्कुल मिटा देने के दर पर हैं। वैज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़कुरू निअमतल्लाह, यहाँ से एक अलग मज़मून बयान करते हैं, थोड़ा बयान करके बात ख़त्म करूँ। कहते हैं कि वैज़ क़ाला मूसा, याद करो उस वक्त को जब हज़रत मूसा ने अपने कौम से कहा था। एक जिहाद की तमहीद है, जिहाद की यह तमहीद है कि जिहाद मौत का यकीनी सबब नहीं है। ये पहले आप जहन में रख लीजिए। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जिहाद में जाए और सही सलामत वापस लौटाए, और ऐसे मौके पर मैं अमूमन खालिद बिन वलीद का हवाला दिया करता हूँ कि जब उनका आखिरी वक्त था, सहाबा हाजिर खिदमत हुए तो आंखों से उनके आंसू जारी थे और वो रोते हुए ये कह रहे थे, बिस्तर मर्ग पर थे,
कहा कि कैसे कैसे मैदान मारे। ये जो ईरान और रूम है उस वक्त की सुपर पावर ताकत है। तीन दोनों ताकतों को अल्लाह ताला ने उन्हीं के दस्ते मुबारक पर जो है वो फतह अता फरमाई थी, शिकस्त थी तीन दो ताकतों को। बड़े बड़े मैदान जो है उन्होंने मारे थे, बल्कि उनकी इतनी शोहरत थी मैं क्या बताऊँ। जब फारुक आज़म को ख़तरा हुआ, कह रहे कहीं अल्लाह ताला की तरफ से नज़र हट कर कहीं खालिद पर नज़र ना जम जाए मखलूक की, उनको दौरान जंग माजूली का ख़त लिखा था। अल्लाह अकबर, हाँ ये फारुक आज़म ने लिखा था। ये इतनी उनकी शोहरत थी। जो मैदान बिस्तर मर्ग पर थे तो आंखों से आंसू जारी थे, ये कह रहे थे कि कैसे बड़े बड़े मैदान मैंने मारे, आज ऊंट की तरह मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये फरमाया था कि दुनिया के बुजदिल को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो कि कोई आदमी मौत से पहले और ज़िंदगी से ज़्यादा जी नहीं सकता, मौत से पहले मर नहीं सकता और ज़िंदगी से ज़्यादा जी नहीं सकता। जब मौत मुकद्दर होती है तो खुद आकर लिपट जाती है, और अगर ज़िंदगी होती है तो ज़िंदगी खुद उसकी हिफाजत करती है। ये उन्होंने कहा था। तो ये जिहाद है, और जिहाद मैंने एक जगह किसी जगह बड़ी तफसील से ये बात मैंने अर्ज़ की है, शहीद का जहां लफ्ज़ आया था कहीं, कि शहादत ये नाकामी नहीं है, शहादत कामयाबी का एक बड़ा मर्तबा है। जब मौत मुकद्दर नहीं होती तो अल्लाह ताला की नुसरत इस तौर पर आती है कि अल्लाह ताला फतह अता फरमाते हैं। जब मौत का वक्त आ चुका होता है तो फिर अल्लाह ताला शहादत का मकाम अता फरमाते हैं। शहादत खुद एक कामयाबी है, बस मकसद और मंशा अल्लाह का हुक्म पूरा होना है, मंशा अल्लाह का हुक्म पूरा होना है। चाहे अल्लाह का हुक्म पूरा करते करते ज़िंदगी मिल जाए अगर बाकी रही, और अगर अल्लाह का हुक्म पूरा करते करते अगर मौत का वक्त आ चुका तो भी कामयाबी है, हुक्म पूरा होना है। लेकिन चाहे हुक्म पूरा करने के दौरान आदमी बाकी रहे चाहे मर जाए, दोनों सूरतों में कामयाबी, कामयाबी की दोनों शक्लें हैं नुसरत की। और जिसके मुकद्दर में शहादत होती है ना, तो अल्लाह ताला सामने वाले को इसके कत्ल करने पर कुदरत अता फरमाते हैं। इसलिए कि जब तक सामने वाले को कंट्रोल नहीं देंगे ये मरेगा नहीं, जब तक ये मरेगा नहीं तो शहादत कैसे मिलेगी। उसी की शहादत का इंतज़ाम करना है, ऐसा होता है ये इंतज़ाम। कहते वह काला मूसा अली कौमी, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, तो इसकी तमहीद बांध रहे हैं जिहाद की, ए कौम ए मेरी कौम अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे ऊपर हैं, कि इस जाला फीकुम अम्बिया, के तुम में अम्बिया आए, 6 लाख थे बनी इसराइल उसमें अम्बिया आए, कितने अम्बिया, 4000 अम्बिया आए बनी इसराइल में, वह जाला कुम मुलूका। और कुरान मजीद में भी आप गौर कीजिए, उलमा के लिए अर्ज़ है कि जितने अम्बिया का जिक्र आया है, तकरीबन हज़रत याकूब हैं, हज़रत ईसा हैं, हज़रत मूसा हैं, हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत सब के सब बनी इसराइल, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है जी। वजअलकुम मुलूका, अम्बिया का नेमत होना तो मालूम है, नबूवत तो बहुत बड़ा मनसब है, खुदा के खुदाई के बस सबसे बड़ा तकद्दस और मुकद्दस मकाम वो अम्बिया का होता है। और किसी कौम में अगर अम्बिया पैदा हो रहे हों तो उस कौम की इज्जत शरफ को 4 चांद लग जाते हैं। वह जालकुम मुलू, एक नहीं दोनों हज़ारों अम्बिया, वह जालकुम ज़ाहिरी बातिनी बरकतों का सबब होते अम्बिया, और अल्लाह ताला ने तुम में मुलू का बादशाह भी बनाए, तुमको उसमें से बादशाहत भी, तुमको अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया। कैसा बादशाह बना दिया? मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, बनी इसराइल उसके गुलाम थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके जरिए अल्लाह ताला ने जो है उन पर करम फरमाया, और दरियाए फरात में फिरौन को गर्क कर दिया, और उसी दरिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल को, कौम को जो है वो नजात अता फरमाई। उसी समंदर को ये कौम के लिए हलाकत का सबब बनाते हैं, और उसी समंदर में रास्ते बना देते हैं, उसकी बादशाहत अता फरमा दी, खाली करवा दिया अल्लाह ताला ने वो पूरे मिस्र के सारे महल्लात को,
इनको दे दिए, तो मिस्र की बादशाहत इनको हासिल हो गई। वह जालकुम मुलूका, गुलाम गुलाम को गुलामी से उठाकर बादशाहत के दर्जे तक पहुंचा दिया कि हमने तुम्हें हमने अंबिया भी पैदा किया और तुमको हमने बादशाह बना दिया। पता चला कि बादशाहत एक नेमत है अगर सही तरीके से हासिल की जाए। और सही कुरान करीम बादशाहत का मुनकर नहीं है। लोग इस्लाम का गलत तारुफ कराते हैं, अधूरा तारुफ, पढ़ते भी तो नहीं है, पढ़ते हैं तो समझते नहीं और अधूरा इस्लाम का तारुफ कराते हैं। हजरत जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा था कि मुझे वजीर ख़जाना बना दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए। जब देखा कि जब तक मैं आगे नहीं आऊँगा ये तबाह हो जाएगी पूरी मईशत, तो आगे भी। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जुमला कुरान करीम ने नकल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि ऐसी बादशाहत फिर मेरे बाद किसी को ना मिले। ला यम्बगी लिअहदिम मिन बादी, आज भी कोई मुखलिस हो उसके अगर जायज़ असबाब इख्तियार करे, ऐसे हालात उसके लिए अगर साजगार हों, रास्ते हमवार हों, अगर ख़तरात ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हासिल करने के चक्कर में आदमी सलाखों के पीछे अपनी सलाहियतें माऊफ कर दे, ऐसे ख़तरात के रास्ते से नहीं। मैं इशारे दे रहा हूँ, बहुत मैं दूर नहीं जाना चाहता। वह जालकुम मुलू का इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान करीम के रोशनी में कि कुरान ने बादशाहत को एक नेमत के तौर पर जिक्र किया है। वह जालकुम मुलू का उन्हें बनाया बादशाहत, हमने तुमको बादशाह बना दिया। वह आताकुम मालम युतिया हदम मिन अलआलमीन, और उसने यानी अल्लाह ताला ने तुमको वो चीज़ें अता की जो उस वक्त, जिस वक्त ये बात कही जा रही है, उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें किसी को नहीं दी गई है। वो क्या है कि डर वही समंदर से, एक तो तौहीद, इसलिए कि उस वक्त बनी इसराइल बावजूद हज़ार गलतियों के तौहीद पर कायम थे, ये तुम्हें अता की। बादों ने कहा कि नहीं, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो है वो मिस्र की हुकूमत अता फरमाई, समंदर से अल्लाह ताला ने रास्ते, समंदर में रास्ते बना दिए, और फिर इसी तरह आप जो है वादी ती में वहाँ अबर साया करता था और रोशनी का मीनारा, जब रात में रात होती थी तो एक रोशनी का मीनारा अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया और आसमान से मन्नो सलवा नाजिल हुआ। तरह तरह की नेमतें जो किसी को नहीं मिली, तो कहा कि ये सारी नेमतें जिक्र कर रहे हैं, तमहीद मान रहे हैं, जब ये सब अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ किया तो अब कहते हैं चलो जिहाद को। अब आगे इंशाल्लाह हम फिर जिक्र करेंगे कि उसमें क्या तालीमात हैं, तो बड़ा अहम मौजू है ये टॉपिक, तो फिर से आइंदा जुमेरा आइंदा जुमा छेड़ेंगे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना। और जो लोग देखो, इससे एक बात और कह के बात ख़त्म करूँ, ये तमहीद बांध रहे हैं हज़रत मूसा, इसके बाद जिहाद का मजमून छेड़ेंगे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा कि मिस्र तो हमने तुमको दे दिया, मुल्क शाम भी तुमको देंगे, वही तुम्हारा आबाई वतन है, मुल्क शाम भी हमने तुम्हारे लिए लिख दिया, तुम्हारे मुकद्दर में हमने लिख दिया, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारा जो कौम बसती है फ़लस्तीन में, इस वक्त जो कौम काबिज़ है उनके खिलाफ़ जिहाद करो। कुरान करीम ने उनसे जिहाद का मुतालबा किया, लेकिन इतना समझने की कोशिश करो जिहाद अंबिया का तरीक़ा है। और लोग जो जिहाद को एक ज़ालिमाना तरीक़ा कहते हैं वो गुमराह हैं, उनके गुमराही पर इत्तेफाक़ है। मैं बल्कि क्या कहूँ आपको कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हिंदुस्तान में जिहाद के ख़िलाफ़ कादियानियों से किताब लिखवाई थी, और कादियानियों के काफिर होने पर तो उलमा इस्लाम का इत्तेफाक़ है। हाँ, जो लोग जिहाद को एक ज़ालिमान और वहशियाना तरीक़ा करार देते हैं वो कुरान मजीद के तालीमात से नाशना रहें, बल्कि जिहाद तो एक अंबिया का तरीक़ा है। ज़रूरत पड़ने पर वो जिहाद क्या है इंशाल्लाह कभी हम उसे खोलेंगे कि जिहाद है क्या असल, कि कहते किसे इस्लामी जिहाद किसे कहते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग अपने तहरीकों तंजीमों को इस्लाम से जिहाद से मुतारफ़ कराते हैं, उसकी गलत फहमियाँ भी आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। अल्लाह मुल्क तौफीक अता फरमाए।